हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखो ये पौधा लगाने जा रहे हैं। ये पौधा है देखो, और ये इसका जड़ है। इसे गठजोड़ भी बोलते हैं। अगर आपकी हड्डी टूट गई हो तो इसको पीस के लगाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इसे चूर्ण बना के खाते भी हैं। तो ये बहुत अच्छा पौधा है। मैं जड़ी बूटी का पौधा ज़रूर लगाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे जड़ी बूटी के पौधे हैं। गिलोय भी लगा रखी हूँ मैं, नागफनी भी लगा रखी हूँ मैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास जो जड़ी बूटी के हैं, फ़ायदा करता है जो कि। तो देखो, मैं इसको इसमें लगाऊंगी। और किसी को अगर परेशानी होगी, हड्डी वड्डी टूट जाएगा, कोई आ जाता है लेने के लिए, तो मैं उसे दे दूंगी। मैं इस वजह से इसे लगाऊंगी। ये बहुत दूर से आया है, ये जंगलों में होता है ये, तो एक गमले में भी लग जाता है, आसानी से आप लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गमले में ऐसे करके खोदना हल्का हल्का। इसमें पानी डाली हूँ मैं अभी। ये देखो, ये 10 इंची का गमला है, इसी में लगाऊंगी मैं। ये देखो ऐसे करके, और ये जो इसका नोडी एरिया है ना, ये हमें इसमें गाड़ना है ऐसे करके। कुछ भी ना हो आपके पास, रूटिंग हार्मोन ना हो या दालचीनी पाउडर ना हो, कुछ भी ना हो, तब भी ऐसे भी लगा सकते हो। देखो यूं लगाऊंगी, बस हल्के हाथ से इसको दबाना है। और ये इसका जड़ है देखो, तो इसको भी मैं ऐसे करके दबाऊंगी इसी में ऐसे। ये देखो ऐसे करके दबाऊंगी, ये दब गया। अभी एक और है मेरे पास, ये देखो ये। तो अब मुझे इसमें यही नहीं पता कि इधर को इसका मुंह है या इधर को है, तो मैं इसको क्या करूं? देखो, अगर आपको नहीं पता चल सके तो क्या करना, आप इन जड़ों को इसमें बस दबा दो ऐसे हल्के हाथ से बना के, और बस ऐसे करके इसको आप रख दो। बस इधर देखो, ये रख दिया ना, ये रख दिया। और जहाँ पे जड़ है वहाँ पे हल्की मिट्टी लगा दो, तो वो खुद ही फुटाव वहीं से ले लेगा। तो देखो कितनी आसानी से लग गया ना। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये देखो, अभी पानी डल गया। तो देखो ये मेरा लग गया, अब इसमें पानी भी मैं डाल दी हूँ। अभी लग चुका है मेरा। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने ड्राइंग फ्रूट भी लगा रखा, जो ड्राइंग फ्रूट होता है वो भी है, ड्रैगन फ्रूट जो है हमारे पास, वो भी लगा रखी हूँ। तो उसी टाइप का ये भी हो गया। तो जब लग जाएगा, जब मैं दिखाऊंगी। और देखो कितने अच्छे हमारे पौधे हो रहे हैं। पौधा देखो, गर्मी में लोग कहते हैं कि पौधा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? खूब लगता है, लगाने का तरीका पता होना चाहिए। देखो फ्लावरिंग भी कर रहा ना सदाबहार। और देखो इसमें फूल आएगा, अभी बहुत फूल आएगा इसके अंदर, इसके अंदर बहुत फूल आएगा, और इसमें भी बहुत फूल आएगा। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये देखो ऐसे हैं। गर्मियों में जीनिया ज़रूर लगा लो। अगर आपके पास जीनिया नहीं है तो जीनिया लिया के लगा लो। जीनिया बहुत अच्छा पौधा है, देखो बहुत ही बढ़िया पौधा है जीनिया।
तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।